और कल है जेठ का निराजली एकादशी, और वो व्रत हम लोग कर रहे हैं। मैं और मेरी सासू माँ व्रत कर रहे हैं, और आज शुद्धता से खाना सुबह में बना है, और वही मतलब हम लोग खाए हैं। और 10 10 तारीख का कोई कर रहा है, कोई 11 तारीख को कर रहा है एकादशी का व्रत, और आज है 9 तारीख, और हम लोग 10 तारीख का व्रत करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं 10 का भी किया जा रहा है, और यहाँ पर सभी लोग 10 का ही कर रहे हैं, मतलब 10 तारीख को। तो इसलिए मैं भी 10 को ही करूँगी। ऐसे 11 का जो व्रत है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि त्रिस्पर्शा योग उसमें लग रहा है। लेकिन जहाँ मतलब देखा जाता है कि सभी लोग कर रहा है, तो फिर मैं अकेली 11 को कैसे करती, इसलिए मैं भी आज ही कर रही हूँ। एकादशी के पहले का दिन दशमी, और दशमी को शुद्धता से खाना बनाया जाता है, और कल है निर्जला एकादशी। तो इसीलिए मैं एक दिन पहले जो शुद्धता से खाना बनता है वही मैं बना रही हूँ। राहड़ का दाल बन रहा है, और यहाँ आलू उबाल करके आलू और पटल का सब्जी बन रहा है बिना लहसुन प्याज का। और आज मैं कान्हा जी को भी भोग लगाऊंगी अच्छी तरह से, क्योंकि आज सब शुद्ध बनता है खाना। और यहाँ देखिए ये अरवा चावल बन रहा है, और ये सब बना करके मैं आज कान्हा जी को जा रही हूँ भोग लगाने के लिए विशेष रूप से। और आज कान्हा जी का भोग में है देखिए दाल चावल और सब्जी, और सभी जगह तुलसी दल मैं रख दी हूँ। और यहाँ पर पूजा पाठ तो सुबह में हो ही गया था, और यहाँ पर अभी भोग भी लग चुका है। कल है निर्जला एकादशी, और हम लोग व्रत करने वाले हैं निर्जला एकादशी का, मैं और मेरी सासू माँ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और शाम का बज रहा है, 4:10 हो चुका है, और अभी मैं ब्लॉग मतलब मेरा ब्लॉग सुबह से ही स्टार्ट है, लेकिन अभी मैं मोबाइल उठाई हूँ। और क्या है कि गर्मी इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि कोई भी कपड़ा पहनने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, तो इसीलिए मैं वीडियो बना नहीं रही थी, क्योंकि मन एकदम बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि वीडियो मैं बनाऊँ। तो अभी मैं सोची कि सुबह मैं रिकॉर्ड की थी जो मैं कान्हा जी का भोग वगैरह लगाई थी, तो अभी सोची कि मैं इंट्रो कर दूं वीडियो का, तो इसलिए अभी मैं फ़ोन लेकर के ऊपर आई हूं छत पर। और अभी शाम को थोड़ा सा बारिश हुई है, और अभी बादल सा किए हुए हैं, तो मौसम अच्छा किया है, तो अभी मैं आई हूं छत पर, थोड़ा हवा खा रही हूं, और अच्छा हवा चल रहा है ठंडा ठंडा। और दोपहर को तो इतना गर्मी लग रहा था कि बस मन कर रहा था कि क्या करें, और ऊपर से लाइट भी चली गई थी, तो उस समय बहुत ही ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए थे। 1 घंटा तक लाइट नहीं थी, और उसके बाद फिर लाइट आया, तब तो उसके बाद फिर बारिश हुई। और कल है जेठ का निराजली एकादशी, और वो व्रत हम लोग कर रहे हैं, मैं और मेरी सासू माँ व्रत कर रहे हैं। और आज शुद्धता से खाना सुबह में बना है, और वही मतलब हम लोग खाए हैं। और 10 10 तारीख का कोई कर रहा है, कोई 11 तारीख को कर रहा है एकादशी का व्रत, और आज है 9 तारीख, और हम लोग 10 तारीख का व्रत करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं 10 का भी किया जा रहा है, और यहाँ पर सभी लोग 10 का ही कर रहे हैं, मतलब 10 तारीख को। तो इसलिए मैं भी 10 को ही करूँगी। ऐसे 11 का जो व्रत है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि त्रिस्पर्शा योग उसमें लग रहा है। लेकिन जहाँ मतलब देखा जाता है कि सभी लोग कर रहा है, तो फिर मैं अकेली 11 को कैसे करती, इसलिए मैं भी आज ही कर रही हूँ। तो कल का व्रत है, और आज देखिए मैं कैसे मतलब दोपहर का तो हम लोग का लंच वगैरह हो गया है, अब देखिए रात को क्या मैं बनाती हूँ, और इस वीडियो में क्या मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो आगे का ब्लॉग में आप लोग देखिए। तो आगे का ब्लॉग आप लोग इंजॉय करिए, और जो मेरे वीडियो पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, ताकि आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो हम मैं बना सकूँ। है शाम का मैं बना रही हूँ थोड़ा सा उड़द दाल का पकौड़ी, और शाम को चाय के साथ हम लोग जा रहे हैं उड़द दाल का पकौड़ी खाने के लिए, क्योंकि मन था। अभी मैं बना रही हूँ उड़द दाल का पकौड़ी और चाय, क्योंकि
क्योंकि कल व्रत करना है तो शाम को थोड़ा सा हम लोग आज खा ले रहे हैं ताकि एनर्जी बना रहे। कल बिना पानी के रहना है तो इसलिए थोड़ा एनर्जी बनाने के लिए मैं सोची कि थोड़ा अच्छा से शाम को चाय और पकौड़ी खा लिया जाए। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए, चाय बन रहा है और पकौड़ी भी बन रहा है और आप लोग भी आकर के खा लीजिए। और आज देखिए इतना गर्मी है कि मैं दूसरा कपड़ा पहन नहीं पाई, बस नाइटी पहन करके ही हूँ। अब मुझे नाइटी पहन करके वीडियो बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करूँ, सोच रही हूँ कि आज भी वीडियो नहीं गया है मेरा और कल भी नहीं जाएगा, तो इसलिए मैं आज सोच रही हूँ कि कुछ बना करके कल वीडियो डालना है। तो ये है दूसरे दिन का क्लिप और आज है निर्जला एकादशी, तो मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। सुबह स्नान ध्यान करके आ गई हूँ मंदिर में और अभी कान्हा जी को स्नान कराने की तैयारी चल रही है और उनका सारा कपड़ा खोल दी हूँ और लंगोटी भी खोल करके और सभी को रेडी कर रही हूँ ना स्नान करवाने के लिए। और मैं इनको दूध से और मद से इस सभी से अभिषेक करूँगी। और यहाँ देखिए गणपति भगवान का सर्वप्रथम अभिषेक हो चुका है और लक्ष्मी माँ का, और यहाँ पर देखिए फिर तीनों का मैं करवा रही हूँ, और लड्डू बाबू, गोपाल जी और कान्हा जी, और सभी का पहले दूध से स्नान करवा रही हूँ, उसके बाद मद से, घी से, इस तरह से करके मैं पंचामृत अभिषेक कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए अभिषेक हो चुका है और देखिए मेरा पूजा पाठ हो गया है और आरती भी मैं लगा ली हूँ और यहाँ फल वगैरह का भोग लगा हुआ है और यहाँ मैं एक लाई हूँ मिट्टी का जो होता है उसमें पानी रखने के लिए, क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा है तो कान्हा जी के पास ये रखा रहेगा, इसमें पानी ठंडा रहता है। और दूध का भी मैं भोग लगा दी हूँ और देखिए कान्हा जी को आज मैं पीला कलर का वस्त्र पहनाई हूँ। और यहाँ देखिए सभी का पूजा पाठ हो चुका है और आज है दूसरा दिन, कल से मेरा ब्लॉग स्टार्ट है और कल मैं वीडियो का एंड नहीं कर पाई थी। और आज है निर्जला एकादशी और आज निर्जला एकादशी का व्रत मैं की हूँ और पूजा पाठ हो चुका है, कान्हा जी का सारा श्रृंगार वगैरह सब पूजा हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ किचन में, कुछ थोड़ा बहुत बनाऊँगी और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और अभी मैं बैठ गई हूँ अपने रूम में, आज भी बहुत ज़्यादा धूप निकला हुआ है और यहाँ पर बैठ करके और हवा में रहूँगी ताकि प्यास ना लगे, क्योंकि प्यास लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और मेरी बेटी बोली कि जाओ मम्मी तुम बैठो आराम से, मैं बना दे रही हूँ, तो बना रही है, थोड़ा सा ही आज खाना बनाना है, ज़्यादा नहीं, तो भुजिया बना रही है वो भिंडी का। और किचन में बोली कि मत रहो मम्मी क्योंकि किचन में तुमको प्यास लग जाएगा, तो बना रही है। और मैं अपना सुबह का सारा काम करके नहा धोवा कर पूजा पाठ तो कर ही ली हूँ और अभी मैं बैठी हूँ और फिर उसके बाद दो थोड़ा देर के बाद फिर मंत्र वगैरह का जाप करूँगी। तो यहीं पर मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।